स्तरीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रविवार को वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर जमकर दर्शकों की शाबाशी लूटी। प्रतियोगिताओं में सभी विजेताओं को मेहनत और लगन से खेल में दिलचस्पी लेने के साथ ही इसमें आगे आकर अपना कैरियर संवारने की नसीहत भी दी। शहर के आरएमपी डिग्री कॉलेज के मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ आरएमपी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने किया। सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग के 9 प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। महिला वर्ग की 55 किलो भार वर्ग में संतोष कुमारी ने 60 किलो भार उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया। 73 किलो भार वर्ग में 70 किलो वजन उठाकर मारिया अनीस प्रथम स्थान पर रही। 81 किलो भार वर्ग में 80 किलो वजन उठाकर सविता कुमारी अव्वल रही। पुरुष वर्ग की 55 किलो भार वर्ग में 85 किलो वजन उठाकर विश्वदीपक आजाद प्रथम स्थान पर रहे, जबकि 61 किलो भार वर्ग में 85 किलो वजन उठाकर शोएब अली प्रथम, 67 किलो भार वर्ग में 80 किलो वजन उठाकर मोनू सिंह प्रथम, 73 किलो भार वर्ग में 90 किलो वजन उठाकर रंजीत वर्मा प्रथम स्थान पर रहे। इसी प्रकार 81 किलो भार वर्ग में 80 किलो वजन उठाकर ईशु चौहान प्रथम, 96 किलो भार वर्ग में 260 किलो वजन उठाकर आलोक यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान आई इंडिया ने विजेता खिलाड़ियों से बात की, आप भी सुनिए वो क्या बोले। भारोत्तोलन के 96 किलो भार वर्ग में 260 किलो वजन उठाकर विजेता रहे खिलाड़ी आलोक यादव ने बताया, प्रतियोगिता थी, आपने किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? अभी तक सर नागपुर में और बोधगया में, और ये जो अभी रिसेंटली हुई थी 2020 में पटियाला में नेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसमें मेरा नागपुर में मेरा सिल्वर मेडल था और बोधगया में ब्रॉन्ज और पटियाला में ब्रॉन्ज। अन्य जो प्रतिभागी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इसमें आगे बढ़े? बस यही देना चाहूँगा सर कि डेडिकेशन सर मेहनत करें और फुल फोकस के साथ बस। अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधाएं दी गई, जैसे अभी एक लड़की उसको लेकर सब खुश हुए थे, इसको लेकर सीतापुर में क्या है, कुछ सरकार की तरफ इस प्रतियोगिता की तरफ ध्यान दे रही? हाँ सर, बहुत अच्छी ध्यान दे रही है और मैं यहाँ से 8 साल से खेल रहा हूँ और प्रबंध भी अच्छा होता है यहाँ पे, सब कुछ सुविधा है। आप कहाँ पर जाना चाहते सर? ओलंपिक था सर, टारगेट है हमारे सर, और अच्छे से मेहनत करनी है बस, यही है सर। आपका नाम? आलोक यादव सर। भारोत्तोलन की 81 किलो भार वर्ग में 80 किलो वजन उठाकर विजेता रही खिलाड़ी सविता कुमारी ने आई इंडिया को बताया। आज आपने कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और क्या क्या? जी सर, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है 81 कैटेगरी में और मेरा गोल्ड लगा है। जैसे कि सरकार अभी एक लड़की जीती थी, सरकार बहुत गौरवान्वित है, लेकिन यहाँ सीतापुर में इसके लिए कोई सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए? जी सर, कुछ खास सुविधाएं तो नहीं, अगर सुविधाएं अच्छी होती तो हम और अच्छा खेल सकते। तो क्या आपकी सरकार से मांग क्या है कि सुविधाएं प्रोवाइड कराएं ताकि हम और अच्छा खेल सकें? आपका नाम? जी सर, सविता कुमारी। प्रतियोगिता के बाद जिला भारोत्तोलन संघ के सचिव जमुना गुरुंग ने आई इंडिया को बताया, ये वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता है, ये जो है सीतापुर जो है वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अंडर में जो है आज 31st जो को हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन का जो है रखी हुई है। इसमें लगभग हमारी पहली बार जो है गर्ल्स काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है करीब नियर अबाउट 13 or 14 गर्ल्स हैं और जो है 42-43 के आसपास बॉयज़ हैं। ये प्रतियोगिता एक दिवसीय है क्या? नहीं, वेटलिफ्टिंग तो ओलंपिक में है, ये अभी इसी में मीराबाई चानू ने जो है देखिए मेडल लिया हुआ है, तो वो तो सारा इंडिया जो है जानता है कि ओलंपिक में अभी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल लिया है इसी में। सरकार की तरफ से क्या है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, क्या कुछ योजनाएं? देखिए पहले तो
इतना नहीं था, लेकिन अब जो है अवेयरनेस हो गई, हर गेम के प्रति अवेयरनेस हो गई, उसी हिसाब से वेट लिफ्टिंग में भी अवेयरनेस आ गई है। अब साई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नई नई स्कीम्स और हॉस्टल्स जो है हर ज़िले में मतलब जो है प्रस्तावित हुए हैं कि मतलब आप साई की तरफ से, फिट इंडिया की तरफ से, कि मतलब जो है हर गेम को इसमें हमारे वेट लिफ्टिंग को भी जो है करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग भी जो है काफ़ी लंबे टाइम बाद वेट लिफ्टिंग का ये डिस्ट्रिक्ट हमने करवाया है। आई थिंक जो है लास्ट कंपटीशन करीब चार पाँच साल पहले हुआ होगा। अन्य प्रतिभागियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इसमें हिस्सा लें? जी हम तो यही कहेंगे बच्चों से कि जो है आए सभी लोग, इसको देखें, इसमें अपनी जो है जागरूकता दिखाएं क्या इंटरेस्ट दिखाएं। पहले ये था कि जो है स्पोर्ट्स में जॉब नहीं होती थी, अब तो इसका करियर भी है। हर कोई जो है कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं है। स्पोर्ट्स सब जो है हर डिपार्टमेंट में है, हर डिपार्टमेंट हमारा लेता है जॉब में, और इसका पर्टिकुलर जो है एकेडमी भी खुलने लगे हैं। तो अब जो है इसका अलग से लोग जो है इस करियर भी बना सकते हैं। जमुना गुरु, मैं यूपी वेट लिफ्टिंग, ये सीतापुर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ, और मैं जो है इंटरनेशनल कोच भी हूँ, क्लास वन रेफरी भी हूँ, और पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग से जो है क्लास वन रेफरी भी हूँ, और पावर लिफ्टिंग भी हमने किया हुआ है, इसमें इंटरनेशनल हूँ। इस अवसर पर जिला भारोत्तोलन संघ की जिला सचिव जमुना गुरुंग, उप सचिव दीप वर्मा, अमित पाठक, मोहम्मद हसीब, तौकीफ अहमद, नवाब अली आदि उपस्थित थे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।